गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा पाँचवीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा। इससे पहले वाले कक्षा में हमने खिलौने वाला जो आपका पाठ था उसका एक भाग या जो पहला भाग है उसको रिवाइज किया था। आज हम जो है आपका जो खिलौने वाला पार्ट है उसका जो नेक्स्ट पेज है यानी कि पेज नंबर 21 उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या है चलिए ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना ले लेता हूँ तुम भी मन में करो विचार। बोल रहे हैं कि अम्मा तुमने तो मुझे चार पैसे दे दिए हैं खिलौने खरीदने के लिए, अब मैं कौन खिलौना लूँगा इसके बारे में तुम अपने मन में विचार करो कि मैंने तो इसको पैसे दिए हैं लेकिन ये कौन सा खिलौना खरीदने वाला है। ठीक है, तोता बिल्ली मोटर रेल पर माँ वह यह है कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। फिर बोलता है कि अभी मैंने आपसे कहा कि अब सोचिए कि मैं कौन से खिलौने लूँगा, तो शायद आप ये सोचेंगे कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल आदि लूँगा, लेकिन यदि आप ऐसा सोचती हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि ये तो बच्चों का खेल है और मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान। कह रहा है कि यदि मुझे कुछ खरीदना ही है तो मैं तलवार खरीदूँगा या क्या खरीदूँगा, तीर कमान खरीदूंगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। और ये तीर कमान या फिर तलवार ये सब खरीद कर मैं क्या करूंगा, जंगल में जाकर किसी ताड़का जैसी राक्षसी का संहार करूंगा। किसके जैसे, राम के जैसे, भगवान राम के जैसे। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। कहता है कि मैं जो है तपसियों को यज्ञ करने दूंगा, जो साधु वगैरह वहाँ पे यज्ञ करने के लिए आए हैं उनको मैं यज्ञ करने के लिए पूरी सुविधा करके दूंगा, और जो है मैं मतलब वहाँ पे जो असुर होंगे उनको मार भगाऊंगा। जैसे कि रामचंद्र जी ने जब उनको विश्वामित्र मुनि लेकर के गए थे अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए, तब उन्होंने जैसे राक्षसों का संहार किया था, उसके बाद ताड़का का भी संहार किया था, उसके बाद उसने क्या मेक श्योर किया था कि सभी सन्यासी जो है अपने यज्ञ को अच्छी तरह से पूर्ण कर पाए, तो मैं भी वैसे ही करूँगा। और ऐसा करते करते क्या होगा कि मैं रामचंद्र बन जाऊंगा, मैं स्वयं ही रामचंद्र बन जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा। और बोल रहा है कि मैं जो है रामचंद्र बन जाऊंगा और तुमको भी यहाँ ही यहीं ही रखूंगा और तुम कौशल्या माता बन जाना, क्योंकि रामचंद्र की माता का नाम कौशल्या था, तो बोला कि तुम फिर कौशल्या माता बन जाना। फिर क्या कहता है कि तुम कह दो दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। और जैसे रामचंद्र जी ने अनुमति लेकर अपनी माता से वो जैसे वन के लिए प्रस्थान किए थे, तो वैसे मैं भी तुम्हारा परमिशन लेके जो है वन के लिए प्रस्थान करूंगा हंसते हंसते। पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। फिर वो कहता है कि लेकिन माँ तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रहूँगा। इतने देर तक वो रामचंद्र जी के हर एक कार्य को फॉलो कर रहा था, उनको करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में उसको ये बात सताती है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा ही है कि मैं कार्य तो रामचंद्र जैसा करना चाहता हूँ लेकिन वो जिस प्रकार आप मतलब अपनी माता को छोड़कर वन में रहते थे मैं वैसे कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, दिन भर तो मैं जंगल में घूम कर समय बिता लूँगा, पर किसके पास लौटूँगा, किससे लूटूंगा, किससे पैसे लूंगा। ये जो मैं खिलौने खरीदने के लिए आज आपसे पैसे ले रहा हूँ, मैं पैसे किससे लूंगा, मैं रूठूंगा किसके पास जाकर,
फिर लौट कर भी तो मुझको आना होगा, फिर मैं लौट कर किसके पास आऊँगा, क्या मैं अकेले ही रह जाऊँगा, तो कौन, और जब मैं रूठूँगा तो कौन मना लेगा, और मेरे रूठने के बाद आप जैसे मुझे मना लेती हैं वैसे मुझे कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, और जैसे आप मुझे गोद में बिठाकर मेरी मनचाही चीज़ें मुझे मुहैया कराती हैं वैसा कौन करेगा। ठीक है, तो आज हमने कविता की पुनरावृत्ति पूरे अच्छे तरीके से की कर ली है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज जो भी हमने किए थे उनको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।